बिछिया पुल के नीचे एक और 18 साल के युवक की लाश, दूसरी ओर नौजवान बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। युवक की लाश बिछिया थाने में और नौजवान बच्चे की लाश सिटी कोतवाली थाने में। बिछिया पुल के नीचे एक और 18 साल के युवक की लाश, दूसरी ओर नवजात बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। युवक की लाश बिछिया थाने और नवजात बच्चे की लाश सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली। दरअसल यह पुल दो थानों की सीमा को भी निर्धारित करता है। रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत बिछिया पुल के नीचे 18 साल के युवक की लाश और दूसरी ओर नवजात बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात बच्चे की लाश को देखकर कहा जा सकता है किसी युवती ने उसको यहां पर फेंका होगा। वहीं युवक की लाश की पहचान हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से कमजोर था। कल सुबह अपने घर से लैट्रिन करने की बात कहकर निकला था, तब से लापता था। बिछिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है। हम आपको बता दें, मुलई साकेत का 18 साल का बेटा सनी साकेत मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं था जितना आमतौर से इस उम्र के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर घर पर ही रहता था। घर से निकलने के बाद कभी कभी इधर उधर टहलता भी रहता था। महाजन टोला के रहने वाले थे मुलई साकेत। सनी साकेत बीते दिन सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच अपने घर से निकला था। यह कहकर वह जा रहा है लैट्रिन करने नदी के किनारे। घर वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। आमतौर पर सनी अक्सर ही ऐसा किया करता था। लेकिन जब दोपहर बीत गई, शाम हो गई, सनी घर नहीं लौटा तो मुलई को काफी चिंता हुई। उन्होंने सनी की तलाश प्रारंभ की, रिश्तेदारों से पूछा। सनी जहां जहां उठता बैठता था वहां पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सनी का कभी पता नहीं चला। थक हार कर मुलई साकेत पहुंच गए बिछिया थाने। उनका घर इसी थाने के अंतर्गत आता था, महाजन टोला में रहते थे। अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया, आपके बेटे को खोज कर लाएंगे। आज सुबह मुलई साकेत को पता चला रीवा के बिछिया पुल के पास एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। मुलई साकेत वहां पहुंचे, पुल के नीचे उन्होंने देखा, लाश की पहचान उन्होंने अपने बेटे के रूप में की। वहीं ठीक इसी पुल के बगल पर एक नवजात बच्चे की लाश भी देखी गई थी। उसे भी पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया है। नवजात बच्चे की लाश रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली थी। माना जा सकता है किसी युवती ने अपना पाप छिपाने के लिए नवजात बच्चे को यहाँ पर फेंका होगा। जिस तरीके से एक ही पुल के नीचे एक 18 साल के बच्चे की और एक नवजात बच्चे की लाश मिली, कहा जा सकता है दो बच्चों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। सर लैट्रिन गया था डिब्बा लेकर, लैट्रिन जब गया तो घंटा डेढ़ घंटा जब लग गया तो हमने ढूंढने गए तो सामान इधर उधर ढूंढे सर, नहीं मिला। फिर आज पता चला मतलब बिछिया नदी में मतलब पुल के पास ऐसे लोग बताएं कि एक लड़का पड़ा है जाके देख लो। तब सर वहाँ गए तो देखे तो सही पर हमारा मतलब है कि लड़का है। कितने दिन पहले लैट्रिन करने गया था, कब गया ये था? कल गया सर 9:30 बजे के करीब रात सुबह। आपका क्या नाम है? मुलई साकेत। लड़के का? सनी साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? महाजन टोला।